Hello children, welcome to your values class. You can open your textbook Wings of Life. You can open lesson number 8, Managing Hazards. So we had done its reading and explanation in Zoom class on 24th of December. Okay, so I will explain the chapter in short again. So know how to manage a situation or a hazardous situation. What is a hazard? A hazard matlab situation that can be dangerous or it can cause damage ko hazardous situation kehte hain. Aur wo natural bhi ho sakta hai, man-made bhi. Natural jaise floods, earthquake. Wo kyun hota hai? Wo forces of nature hai, usme hamara control nahi hai. Aur man-made yani ki जो ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा कंट्रोल है, जो मैनमेड चीज़ों की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, सपोज़ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या पेट्रोल लीकेज की वजह से आग लगी, तो ये सब ये मैनमेड रीजंस हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस एक्सप्लेन करी हुई हैं कि स्टोव नॉब अगर ठीक से बंद नहीं हो या पेट्रोल पम्प में माचिस लगाना, या यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है कि ये जो बच्चा है मैन होल यानी जो गटर का ढक्कन है उस पर वो अगर बंद है ठीक से नहीं तो उस पर पाँव रख लिया, इस तरह से ये सिचुएशन हो सकती है. तो इनको हमको अवॉइड करना चाहिए. सो कैसे डील करना चाहिए? वी शुड बी नोइंग. अवेयरनेस अबाउट हैजर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट. ओके, हमको पता होना चाहिए कि ये हैजर्ड्स हो सकता है और हमको उनको एलिमिनेट मीन्स रिमूव करना है. वैसे जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, जो ऐसी सिचुएशन जो हैजर्ड कॉज कर सकती है, वो हम अवॉइड कर सकते हैं ना. ओके, और नेचुरल हैजर्ड जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब में कुछ पे हमको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. प्रेडिक्ट मीन्स हम पहले से उसका पता लगा सकते हैं. ओके, सो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, इनको नेचुरल डिजास्टर्स भी कहा जाता है. IMD, द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? प्रेडिक्शन करता है, वेदर रिपोर्ट देता है, और वेदर रिपोर्ट के बेसिस पे हमको बता सकता है कि कभी हैवी रेनफॉल होने वाला है या क्या, तो अकॉर्डिंगली हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं. ओके, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर नेचुरल हैजर्ड? विजिलेंट होना चाहिए, हमको विजिलेंट यानी अलर्ट होना चाहिए, और हमें सर्वाइवल किट यानी ऐसा चीज़ें, बॉक्स, बैग, जिसमें आपकी सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, खाली वही होनी चाहिए. और उसके साथ साथ यू हैव टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द नेचुरल डिज़ास्टर. ओके, सो देन वी हैव एक्सरसाइजेस. आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन आंसर आज हम करते हैं, बाकी के एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ हैजर्ड? अ सिचुएशन और अ थिंग दैट कैन बी डेंजरस को हैजर्ड कहते हैं. नेचुरल, व्हाट इज अ नेचुरल हैजर्ड? इट इज कॉज्ड बाय फोर्सेज ऑफ नेचर. थर्ड क्वेश्चन, इज द एरिया वेर यू लिव प्रोन टू एनी पर्टिकुलर नेचुरल हैजर्ड? येस, कच्छ जो है, आप जहाँ पे रहते हो, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वो इट इज़ अ अर्थक्वेक प्रोन जोन. ओके स्टूडेंट्स, जोन पूरे कंट्री को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है कि अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी और अर्थक्वेक के खतरे के बेसिस पे. तो जोन वन में सबसे कम खतरा होता है और हम आते हैं जोन नंबर 5 में, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरा जोन नंबर 6 तक होता है. हिमालय जो है वो जोन नंबर 6 में आता है, हिमालय वाला एरिया, और हम आते हैं जोन नंबर 5 में, यानी कि हम बहुत ही डेंजरस जोन में रहते हैं अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से. ओके, सो अकॉर्डिंगली हमको अर्थक्वेक रिलेटेड हैजर्ड्स में क्या क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, अर्थक्वेक आने पर हमें क्या क्या लेना डिस्कस करना चाहिए, क्या क्या हमें कदम लेने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, अभी के लिए आप ये आंसर्स अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो और चैप्टर को फिर से एक बारी पढ़ लो. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू. सो दिस फिनिशेज योर
क्लास फॉर टुडे. थैंक यू.